हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा कोई यूट्यूब चैनल है और उसके अलावा हमारे दो तीन और यूट्यूब चैनल हैं, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेन वाला, उसके अंदर दो तीन यूट्यूब चैनल है, उसको कैसे लगाएं। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और दूसरे जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने यहाँ पर नीचे ऐसे लिंक कर रखे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो अपने मेन यूट्यूब चैनल में दूसरे जो यूट्यूब चैनल आपके हैं उनको कैसे इस तरह से लिंक किया जाता है, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर जाकर आपको एक नया टैब ले लेना है और नया टैब लेके आपको YouTube यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप YouTube सर्च करोगे आपके सामने ये YouTube की वेबसाइट आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके गूगल क्रोम में इसे ओपन कर लीजिए। अगर ये YouTube की ऐप में रिडायरेक्ट कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप जिस अपने YouTube चैनल में दूसरे YouTube चैनल ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जिस YouTube चैनल में दूसरे YouTube चैनल ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा एक कल्पेश गर्ग व्लॉग वाला YouTube चैनल है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना वो वाला YouTube चैनल सिलेक्ट कर लिया है। अब फिर से एक बार मैं लोगों के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर योर चैनल पर मैं चला जाऊँगा। जैसे ही मैं योर चैनल पर जाऊँगा ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम कस्टमाइज चैनल करेंगे। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वीडियो है और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं ये दो सेक्शन है उन्हें डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो फीचर्ड चैनल है वो मुझे ऊपर चाहिए। तो ये जो वीडियोज़ हैं उसके सामने ये देखिए छोटे छोटे तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर मैं क्लिक करके रिमूव सेक्शन कर दूंगा। दूसरा वाला सेक्शन है उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये मेरे जो सेक्शन है वो रिमूव हो गए। अब यहाँ पर ऐड सेक्शन करते हैं और सबसे नीचे लिखा है फीचर्ड चैनल। तो यहाँ पर फीचर्ड चैनल में सबसे पहला मेरा जो चैनल है वो है कल्पेश गर्ग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया और यहाँ पर मैं कल्पेश गर्ग मेरा जो चैनल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फर्स्ट वाला मेरा चैनल आ गया है और यहाँ से हम इसे डन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमने यहाँ पर लिंक किया वो यहाँ पर आ गया है। ऊपर से यहाँ पर हम पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपका ये जो चैनल है वो यहाँ पर फीचर्ड हो जाएगा, मतलब आपके चैनल का जो होम पेज है वहाँ पर ये दिखाई देगा। अगर आप कोई दूसरा चैनल और ऐड करना चाहते हैं तो फीचर चैनल में चले जाइए और यहाँ पर मेरा एक और चैनल है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। टेक टीचर करके मेरा एक चैनल है, ये रहा, इसे ऐड कर लेते हैं। डन, और इसको भी यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। एक और चैनल है मेरा, उसे भी लगा लेता हूँ। जेमिनी जी, उसके बाद एक और हैं क्रिएटर मोटिवेशन, ये रहा, इसे भी लगा लेते हैं। उसके बाद एक और हैं हिंदी कहानी नो मोरल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम डन कर लेते हैं और डन करके यहाँ पर हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पांचों चैनल यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर वीडियोज़ का एक फीचर डिलीट कर लिया था वो हमने वापस लगा दिया है और एक शॉर्ट वीडियोज़ का भी फीचर हमने डिलीट किया था वो हम वापस लगा देते हैं और यहाँ से
पब्लिश कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है अपने एक चैनल के अंदर दूसरे चैनल को ऐड करना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका YouTube से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।